हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ओ लेवल रिजल्ट 2024 के लिए, जो जुलाई में एग्जाम हुआ है। जुलाई में आपका एग्जाम हुआ है, पहले प्रैक्टिकल का, इसके बाद थ्योरी का, जो अगस्त में खत्म हुआ है। 3 अगस्त से चालू होकर के आगे आपका खत्म हुआ है। तो रिजल्ट की बात करें तो जैसे ही पेपर खत्म होता है, वैसे ही सबको रिजल्ट की इंफॉर्मेशन लेने की पड़ी रहती है, और ये भी रहता है कि रिजल्ट कितनी जल्दी आएगा। तो यहाँ पर आप नलेट की वेबसाइट में जाएंगे, student.nalet.gov.in, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जाते ही आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। ऊपर है एग्जाम सेक्शन नोटिफिकेशन, यहाँ पर एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन, प्रैक्टिकल एडमा, और यहाँ पर है रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर रिजल्ट नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है अलग अलग एग्जाम्स का। यहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है। लेकिन शुरुआत में ही नालेट ने एक कैलेंडर जारी किया था, जब एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे जुलाई के लिए, उस कैलेंडर में अक्टूबर की डेट दी गई थी रिजल्ट के लिए। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर किसी कारणवश थोड़ा बहुत डिले होता है तो भी आपका अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट आने की संभावना है। इसके लिए आप रिसेंटली जो ये वेबसाइट का अपडेट होता है, रिसेंटली वेबसाइट में यहाँ ऊपर इम्पोर्टेंट नोटिस जो दिखाए जाते हैं, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। पब्लिक नोटिस यहाँ पर आती रहती है, और यहाँ नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो रिजल्ट नोटिफिकेशन में यहाँ भी आपको रिजल्ट्स के इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। और अगर आपको यहाँ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप जाएंगे व्यू रिजल्ट वाले सेक्शन में, यहाँ पर जा करके आप ओ लेवल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट, कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको सेशन देख लेना है। जुलाई यहाँ पर लिख किया जाएगा, अभी यहाँ पर जनवरी लिख किया रहा है। तो जैसे यहाँ पर जुलाई लिख किया जाएगा तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट आ चुका है। अदरवाइज आपको मेन पेज में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे रिजल्ट आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।